बड़ी खबर के साथ महाराष्ट्र से बड़ी खबर आपको बता दें, बड़ा राजनीतिक फेरबदल हुआ है महाराष्ट्र में। अजीत पवार महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम बनाए गए हैं। अजीत पवार ने मंत्री पद की शपथ ली, 9 विधायकों ने भी मंत्री पद की शपथ ली है। छगन भुजबल, दिलीप पाटिल, हसन मुश्रीफ मंत्री बने हैं। रामराजे निम्बालकर, धनंजय मुंडे, आदिति तटकरे मंत्री बने हैं और संजय बंसोड़े और अनिल भाईदास पाटिल भी मंत्री बनाए गए हैं। महाराष्ट्र से ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, अजीत पवार ने डिप्टी सीएम पद की शपथ ली है। अजीत पवार ने मंत्री पद की शपथ ली, 9 विधायकों ने भी मंत्री पद की शपथ ली है। तो बड़ा सियासी फेरबदल हुआ है महाराष्ट्र में, बड़ा राजनीतिक फेरबदल, और अजीत पवार महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम बना दिए गए हैं। अजीत पवार ने मंत्री पद की शपथ ली और साथ ही 9 विधायकों ने भी मंत्री पद की शपथ ली है। बता दें आपको कि अजीत पवार अब 5वीं बार शपथ ली है मंत्री पद की। बता दें आपको कि 31 महीने में ये तीसरी बार है जब अजीत पवार ने मंत्री पद की शपथ ली है। वहीं 9 विधायकों ने भी मंत्री पद की शपथ ली है। छगन भुजबल, दिलीप पाटिल, हसन मुश्रीफ मंत्री बने, रामराजे निम्बालकर, धनंजय मुंडे, आदिति तटकरे मंत्री बने, संजय बंसोड़े और अनिल भाईदास पाटिल भी मंत्री बनाए गए हैं। तो वहीं महाराष्ट्र में सियासी उलटफेर के बीच बिहार में भी बयानबाजी तेज हो गई है। एक तरफ जहां महागठबंधन के नेता बीजेपी को घेरते हुए नजर आए हैं, तो वहीं बीजेपी ने नेताओं के बयान पर पलटवार किया है। तो ये जो महाराष्ट्र की घटना है, ये घटना बहुत ही दुखदाई है। एक तरफ तो महागठबंधन जो ये उम्मीद कर रहा है कि अगला जो लोकसभा का चुनाव हुआ उसमें हम नरेंद्र मोदी को पटकनिया देंगे, उसको जो है धक्का लगा है। देखिए, अजीत पवार जी तो बहुत पुराने नेता हैं, आज के नेता नहीं है, बहुत पुराने नेता हैं और बहुत अच्छे सहयोगी माने जाते थे शरद पवार जी के, उनके भतीजा, रिश्ते में भतीजा भी हैं जी। लेकिन अब अजीत पवार जी के आने के बाद मैं समझता हूँ कि एनसीपी पार्टी महाराष्ट्र में करीब करीब वो समाप्त होने के कगार पर है। और बहुमत आप देखिएगा कि बहुमत जो कुछ भी विधायक बचे हुए हैं सभी के सभी अधिकांश लोग अब अजीत पवार के साथ आ जाए। देखिए, लोग जहाँ जहाँ भी अपने बेटा बेटी को बढ़ाने के चक्कर में रहेंगे इसी तरह टूटेगी पार्टी। याद कीजिए जनता दल, याद कीजिए शिवसेना और याद कीजिए आज एनसीपी। जहाँ सिर्फ मेरा बेटा होगा वहीं ये पार्टियां टूटती है, मेरी बेटी होगी इसी के लिए ये सारी पार्टियां टूट गई। ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता हर्षल बदाने पाटिल हमारे साथ जुड़ रहे हैं मुंबई से। हर्षल, महाराष्ट्र में बड़ा राजनीतिक फेरबदल हुआ है, अजीत पवार डिप्टी सीएम बना दिए गए हैं, ये बिल्कुल क्विक डिसीजन रातों रात तो नहीं हो सकता है, कब से ये राजनीतिक खेल चल रहा था? लक्ष्मी, महाराष्ट्र के सियासत में आज का संडे सुपर संडे बनकर सामने आया है, क्योंकि जिस तरीके से राष्ट्रवादी के जो चीफ है शरद पवार जी, इनके भतीजे अजीत पवार, इन्होंने देखा जाए तो जिस तरीके से अपने साथ में रहने वाले आमदार हो, एमएलसी हो, एमएलए हो, इनको साथ में लेके आज भाजपा के नेतृत्व में जो जिस तरीके से उन्होंने एकनाथ शिंदे गुट को साथ देकर आज यहाँ पे शामिल हुए दिखाई दे रहा है। पर एक बात सामने आ रही है कि एक ऐसा कैसा हो सकता है, दो दिन पहले ही शरद पवार देवेंद्र फडणवीस जी को गुगली के ऊपर आरोप प्रत्यारोप करते हुए दिखाई दिए और अभी देखा जाए तो खुद अजीत पवार अपने साथ राष्ट्रवादी के ऊपर दावा उन्होंने किया हुआ है, जिस तरीके से शिवसेना के ऊपर एकनाथ शिंदे जी ने दावा किया था। पर देखा जाए तो इससे पहले भी अजीत पवार भाजपा के साथ जाने वाले ऐसे बहुत बार हुआ, ऐसी बहुत बार अफवाह सामने आई है। पर आज का दिन जो है ये महाराष्ट्र की सियासत के लिए बड़ा दिन जो है माना जाता है, क्योंकि शरद पवार एक तरफ कह रहे हैं कि बिल्कुल हम उनके साथ में नहीं है, सुप्रिया सुले कह रही है कि हम उनके साथ में नहीं है, पर ये अभी तक ये आज की दिन की सबसे बड़ी खबर मानी जाती है। हर्षल, और ये भी कहा जा रहा है, हर्षल, ये भी कहा जा रहा है कि अभी मंत्रिमंडल विस्तार होगा, अभी और भी लोगों को मंत्री बनाया जाएगा। The cat sat on the mat.
देखो आज राजभवन में अजीत पवार इनके साथ में राष्ट्रवादी गुट के 8 मंत्रियों ने शपथ ली है और कहा जाता है कि और देखा जाए तो 55 राष्ट्रवादी के आमदार फिलहाल है, उसमें से 30 से ज्यादा आमदार अजीत पवार इनके साथ में है ऐसे कहा जा रहा है, पर वो भी साथ में आएंगे ऐसे अजीत पवार ने कहा है और मंत्री की शक्यता जो है वो बढ़ने की शक्यता कही है। पर सबसे बड़ी बात है अजीत पवार ने कुछ ही महीनों में 3 बार डिप्टी सीएम की शपथ ली है और ये 3री बार है और इसके ऊपर एकनाथ शिंदे जो मुख्यमंत्री है फिलहाल महाराष्ट्र के, उन्होंने कहा है कि ये ट्रिपल इंजन का पावर है और अजीत पवार इन्होंने इनकी जो जिस तरीके से उन्होंने उप मुख्यमंत्री पद लिया हुआ है उनका जो तरीके से एक्सपीरियंस है उस एक्सपीरियंस का हमें फायदा होगा और जो प्रधान है मोदी जी इनके नेतृत्व में महाराष्ट्र में ये सरकार बनी है और ये मतलब जिस तरीके से सियासत में जो काले बादल जो विपक्षों के सामने मंडरा रहे हैं तो आगे अभी क्या होगा, जो गठबंधन किया था महाविकास आघाड़ी का उसमें से अभी राष्ट्रवादी के अजीत पवार गुट जो है जो अभी बीजेपी के नेतृत्व में एनडीए में शामिल हो गया, पर अभी शिवसेना उद्धव ठाकरे गुट का क्या होगा और अभी राष्ट्रवादी के अजीत पवार गुट ने जिस तरीके से बीजेपी के नेतृत्व में शामिल हुए पर अभी कांग्रेस महाराष्ट्र की बड़ी पार्टी साबित हुई है। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारियों के लिए।